Okay, I think we all have heard this before. Behind every successful man, there is a woman. I can't forget that, auntie. Yeah, we're talking about a woman who's multifaceted. An ex-Miss India in 1968, I don't know if many people know this over here. An actress, a producer, As we move forward, I would like to talk about another celebrity here. Let me introduce to you a person who began her career as a model in the early 80s, moving on to doing films. She worked in the super hit Purana Mandir, along with Samri Tehkhana for the Ramsey banner, and she was always called their lucky mascot. Soon, she got married and started her own production company. Today, she represents society as an iconic figure and is known as a producer of innumerable commercials backing her. I would like to welcome the beautiful Aarti Gupta Surendranath. Another personality I would here talk about, because this would be incomplete if I don't mention him here. Honestly, I was initially unaware about Spenta Multimedia, but the day I went over to meet them, I knew in my heart that I was at the right place within the right people. And now, the moment we've all been waiting for, let's unveil the book together. Ladies and gentlemen, present. Can we have a big round of applause for Dhruv Somani and A Touch of Evil? Congratulations, Dhruv. Thank you.
मैं वहीं आ जाता हूँ. खामोश. अभी मैं आपके सामने मन की बात तो कर नहीं सकता हूं. मन की बात का पेटेंट राइट किसी और ने रखा हुआ है. तो इस वक्त जो है ध्रुव समानी की यो टच ऑफ एविल जो आपके सामने पेश की गई है, इनके संघर्ष, परिश्रम और इतने सालों की मेहनत जो सामने आई है, वो प्रिंटेड बिल्कुल तरोताज़ा होकर आपके सामने आई है, आपकी यादों को तरोताज़ा करने के लिए. इसलिए इस घड़ी में मैं मन की बात नहीं, दिल की बात कर सकता हूँ. और दिल की बात यह है कि मैं बहुत तहे दिल से, मैं अपने परिवार की ओर से, अपनी पत्नी की ओर से और अपने इस विरहत परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ ध्रुव समानी जी को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके माता पिता को और उनके तमाम समर्थकों को और प्रशंसकों को जो इस घड़ी में आए हुए हैं. ये आर्ट एंड कल्चर की शाम है, ये कोई पॉलिटिकल इवनिंग नहीं है. मैं हालांकि इसी कार्यक्रम के लिए खास अपनी पत्नी के आदेश को अध्यादेश मानते हुए मैं वहाँ, पार्लियामेंट अभी ऑन है, हालांकि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है वो तो आपको पता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी टेक्निकली ऑन है और वो करके जब पत्नी का आदेश आया कि ध्रुव समानी के इस बुक के इस रिलीज पे या इसकी समीक्षा पे या इसके प्रस्तुतिकरण पे या इसके प्रेजेंटेशन पे आपको आना है, तो शायद मेरे पास और दूसरा रास्ता रही नहीं गया. मैं भागा हुआ दौड़ा हुआ चला आया, बात नहीं मानता, पार्लियामेंट में कुछ दिन तो रह जाता, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के पीछे छुप भी जाता, लेकिन अंतोगत्वा रहना तो घर में ही है और आना तो पड़ता. और आप जानते हैं मेरे शक्ल पे कई निशान पड़े हुए हैं, अगर नहीं आते तो शायद दो चार निशान की वृद्धि हो जाती. अब निशान क्यों पड़े हुए हैं वो तो कहने की आवश्यकता नहीं है. आप लोग को पता ही होगा, जो मैं कई बार कहता आया हूँ, कि शादीशुदा आदमी या तो वो खुश हो सकता है या शादीशुदा हो सकता है. ए मैन कैन बी ईदर मैरिड और हैप्पी, ही कांट बी बोथ. हमारे मामले में यही कोशिश है कि हम, जो लोग कहते हैं बहुत खुशहाल परिवार है ये, तो मैं यही कहता हूँ कि हमारी यही कोशिश है या कशिश है या तमन्ना है कि इस परिवार में भले मैं शादीशुदा रहूं, लेकिन ये खुश रहें हमेशा मेरी पत्नी पूनम. और इन्हें और खुश करने की प्रक्रिया में मैं आज यहाँ आया हूँ, लेकिन बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है. ख़ासकर आर्ट और कल्चर की दुनिया, और सही मायनों में समझें तो अपनी ही दुनिया है. जिस तरह से इन्होंने फिल्मों का जिक्र किया, जिस जोनर का जिक्र किया, हॉरर फिल्म का जिक्र किया, मैं घबरा गया. कहीं मुझे देख के तो हॉरर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं उस वक्त थोड़ा घबरा रहा था. लेकिन इन्होंने कई फिल्मों का जिक्र किया, जैसे उस फिल्मों में मैंने काम भी किया है, जैसे बहुत ही ग्रेट मेकर्स रहे रामसे ब्रदर्स, और नन्ही मुन्नी लड़की सी थी मैं, हॉरर फिल्म में मैंने काम किया था, कुछ नाम भी हुआ उसमें और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से पहचान भी हुई, आशीर्वाद मिला. ग्रेट लेट पृथ्वीराज कपूर जी का, अमजद खान के पिताजी वो जैन साहब का, और साथ ही साथ बड़ी अच्छी सी सुंदर सी नाजुक सी हीरोइन जो आज भी मुझे पसंद है, कल भी पसंद थी और कल भी पसंद रहेगी, मुमताज़. उससे बहुत मिलने का और नज़दीक आने का मौका उसी हॉरर फिल्म से मिला. यानी आप कह सकते हैं कि हर क्लाउड के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग होती है, वो ऐसी सिल्वर लाइनिंग हमारे लिए मुमताज़ थी और हॉरर फिल्म में काम करने का मुझे वाकई बहुत मज़ा आया. आज ये हमारे अपने मेहनत के बाद ध्रुव समानी टच ऑफ एविल की बात कर रहे थे, उसमें बहुत अच्छा लगा और ख़ासकर एक वाक्य तो बहुत अच्छा लगा. उस वाक्य के बाद इनको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा फिलहाल. और वो इन्होंने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज़ अ वुमन, लेडी. बहुत अच्छा कहा, सही मामला है, सही बात है.
लेकिन इन दिनों ये जमाना कुछ मी टू का चल रहा है और मी टू के जमाने में इन द इरा ऑफ मी टू अब तो ये कहने में जरा भी शर्म या संकोच नहीं है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन्स फॉल ऑल्सो देर इज अ वुमन। अच्छे खासे कामयाब मर्दों के ये नाकामयाबी या परेशानी या बदनामी के पीछे भी बहुत हद तक कई बार मीटू के ज़माने में मैं औरतों को ही देख रहा हूँ। इसलिए मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि गनीमत है जिस छवि का इन्होंने ज़िक्र किया मेरे ध्रुव समानी ने कि छवि अच्छी है। मैं वाकई अभी थोड़ा अपने आप को भाग्यशाली पा रहा हूँ कि आज के इस ज़माने में अभी तक तमाम हरकतें करने के बावजूद भी मेरा नाम अभी तक मी टू की श्रेणी में नहीं आया है। इसलिए अब मैं और ज़्यादा बात नहीं, इसीलिए मैं कई बार पत्नी की बात मानता हूँ और कई बार मैं पत्नी को कवच बनाकर साथ ले चलता हूँ कि देखिए कुछ भी हो ना भी हूँ लेकिन बहुत शादीशुदा बहुत खुशहाल आदमी हूँ, बड़ी ज़िंदगी अच्छी है, मेरी पत्नी है, देवी है, सब कुछ है। अब मेरे बारे में कोई कहना भी चाहे तो मत कहना, और यहाँ भी अगर कोई पुरानी सहेली बैठी हो तो ज़रा मेरा ख्याल रखना आप लोग, प्लीज़, थैंक यू। आज मैं ध्रुव समानी के पुस्तक विमोचन पे बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ पुनः अपने अपने ध्रुव समानी को और उनके परिवार को कि आज फिल्मों की यात्रा को या फिल्मों को जीवंत रूप में पेश करने का जिस तरह से उसके इतिहास को जिस तरह से यथार्थ पे या ज़मीनी हकीकत पहुंचाने का एक निचोड़ के साथ जिस तरह से पेश किया है मैं समझता हूँ बहुत काबिलियत, बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है और बहुत ही अनुकरणीय है। और लोगों को भी सामने आना चाहिए इनसे, इनकी जवानी से, इनके उत्साह से, इनके प्रस्तुतिकरण से लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे हमेशा इस हालत में भी शादीशुदा होने के बावजूद भी कैसे इतनी मेहनत की और कैसे रातों में जागकर और कुछ नहीं किया है, किताब लिखी है 3 दिन तक रात रात भर जाग के ये क्या किया है, खामोश पर जो किया है बहुत अच्छा किया है और हम बहुत आपकी तारीफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। I would request Aarti ji to say a few words, please. Good evening, everyone. Thank you, Dhruv, for having me here. And I don't know how to punish you for putting me in a situation of making me speak after Mr. Sinha. I really don't know what I'm going to say. Or after listening to his Hindi, which all of us should speak even a little bit of, a small percentage of, I'm not going to even try it because I'll sound very, very foolish. I'm going to stick to English. this is a moment of retribution. I've never spoken about it. It's after 35, 40 years, I'm able to say this, that thank you, Dhruv, for putting to light something like the horror movies of India, which formed a very, very strong foundation of the industry, but never really recognized to its fullest. The amount of creative work that goes into making a horror film is a lot more than others, but it's never really been fully recognized. I was all of 16 years old when the Ramses, and I feel so sorry that Tulsi ji is no more, and they've had another bereavement in their family, and you know, it's really, really very, very sad. But I was a model, and I had foolishly turned down a lot of the best movies of that time. And there came the two Ramsey brothers, and they just told me the opening line was, "We don't believe you're going to do our film. You're going to say no. So we've just come because we wanted to meet you, and we really wanted to see if your hair was real." So it was really a lovely opening line. Then they played the song to me, "Wo Bite Din Yaad Hai." I don't know how many of you remember that. And just gut instinct, I said, "Okay, fine, I'll do this movie." I cannot even tell you, having shot so much and even produced movies and produced commercials for everyone, I have never encountered nicer producers and nicer people. They treated me like I was the queen, and for the while I shot with them, I really felt that way. It's taken... I would request Manik sir to say a few words, please.
शत्रु जी, पूनम जी, मेरी प्रिय मित्र आरती, मैं Anyone has questions? Hello. Dhruv, what next after this? अब रात मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ आई थिंक ये मेरी एक बिगिनिंग थी बट व्हाट अ बिगिनिंग आई वुड डेफिनेटली वांट टू कंटिन्यू राइटिंग कुछ ना कुछ तो जरूर लिखूंगा एंड फिल्मों के बारे में ही लिखूंगा बिकॉज दैट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड शत्रु जी आपने जो स्पीच दिया हमारा तो दिल लूट लिया आपने ओनली थिंग वी आर मिसिंग वन कॉमेडी फिल्म फ्रॉम योर साइड क्या आप करना चाहेंगे अब इस कार्यक्रम में सारे कार्यक्रम छोड़कर भले पत्नी के आदेश पे आया हूँ लेकिन ध्रुव समानी का जादू जो सर चढ़ के बोल रहा है उस कार्यक्रम में जो आप मुझे देख रहे हैं तो मैंने तो इनसे कुछ नहीं मांगा कुछ नहीं लिया प्यार से आया हूँ वशीभूत होकर आया हूँ तो मंत्रमुग्ध होकर आया हूँ तो मैं समझता हूँ उसकी कीमत यही चुकाएंगे ये बनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं करूँगा उसमें कॉमेडी ऐसे भी मुझे बहुत पसंद है बहुत ही ज्यादा थैंक यू हेलो सर टुवर्ड्स यू राइट एट द बैक दिस इज प्रियंका फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस सर यू योरसेल्फ मेंशनड अबाउट द मी टू मूवमेंट एंड टुडे द टाइम्स आर व्हेन सो मेनी वुमेन आर यू नो फाइनली हैव गैदर्ड द करेज एंड हैव स्पोकन अगेंस्ट मेन हु सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड देम So would you deem it correct to make fun or be frivolous about the movement like you yourself just said it? Don't take it otherwise. I know you are from Indian Express. And Indian Express, one of the magazines, one of the newspapers, not only the Indian Express, I hold it in very high esteem, but I've been also very influenced and trained by the dawn of journalism, All India, Mr. late and great Mr. Goenka. I used to go there very often. And Nanaji Deshmukh used to take me to Mr. Goenka. So I just said, take it in the plain sense of humor, though I highly appreciate, I applaud the women who have, better late than never, have come forward. And with the courage and guts, I salute their courage and guts. But beyond that, I wouldn't like to speak further at this hour because we are discussing the book and we should not cross our limit. We shouldn't go beyond the book and the subject which we are discussing now. However, I understand what you say and I am very supportive of what you are saying. Thank you, sir. Any more questions? Shatruji and Aartiji, would you like to share any supernatural experience that you have gone through in your real life? Matlab, you know, any kind of paranormal or supernatural experience? Aap bataiye, aapke liye. Nahin, since I'm a man of science and logic, to bahut zyada to isme yakeen nahi karta hoon main. कुछ बातें हैं जिनका जवाब नहीं मिलता है और शायद ना ही मिले तो अच्छा है जैसे अब गॉड के बारे में आज बहुत क्वेश्चनिंग होती है लेकिन मैं समझता हूँ गॉड के मिस्ट्री सो कॉल्ड मिस्ट्री मिस्ट्री रह जाए तो बहुत बेहतर है वरना आज जो एक डर एक भय एक डिसिप्लिन अनुशासन जो कम हो रहा है कल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो ये तो अंकुश रहना चाहिए ऑल माइटी जो पावर है द अल्टीमेट पावर है और साथ साथ आपने जो सुपर पावर का एंड सुपर नेचुरल का जिक्र किया ये भले हमें सांप पे गुजरा हो या नहीं गुजरा हो इसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त पड़ता है मैं आपको बता दूं जो हॉरर फिल्म की बात हो रही है मैंने खुद की है कहीं और मैं जैसे इन्होंने यहाँ कहा उस समय मुमताज़ की याद में मैं दो तीन फिल्मों को याद से निकाल चुका था लेकिन की है बहुत अच्छी फिल्म थी टेलीफोन और मेरा साया 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 मेरा साया भी किए मैंने लेकिन साया टेलीफोन जानी दुश्मन हाँ मैंने कई किए हैं कुछ फिल्में कश्मकश पता नहीं कैसे थी मैंने याद नहीं शैतान किए हैं मैंने ये देखिए ये
हिस्ट्री बताए जा रहे हैं धड़ाधड़ यहाँ पे. अच्छा है, अभी ताज़ा ताज़ा किताब लिखी है ना इन्होंने. सो वो, लेकिन एक बात कहूँ कि उसके बावजूद मैंने इतनी फिल्में की हूँ, शायद 250 से ज़्यादा फिल्में की होंगी, उसके बावजूद अगर बात कहूँ तो शायद यकीन नहीं आएगा आपको चैतन्य कि मैंने एक फिल्म थी जो देख ही नहीं पाया थिएटर में, जबकि मैं जानता हूँ इसमें इफ़ेक्ट क्या होता है, साउंड इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे इसके कट्स होते हैं, लाइटिंग कैसे होती है, क्या मेकअप होता है, सारा मैं समझता हूँ और हर फिल्म को उस तरह से देखता हूँ. एक FTII का ग्रेजुएट होने के नाते भी ऐसे भी इतनी फिल्में की हैं उसके बावजूद. लेकिन मिलाप फिल्म की थी, बहुत सारी फिल्में की हैं मैंने, लेकिन मैं उस फिल्म में एक फिल्म को देख ही नहीं पाया. इतना इफेक्ट हुआ मेरे ऊपर, इतना इम्पैक्ट हुआ, डर भी लगा, मुझ जैसे आदमी को डर लगा और आज तक नहीं देख पाया हूँ. वो फिल्म थी राम गोपाल वर्मा की भूत. भूत, मैं जान रहा था कि सारी बातें सत्य नहीं हैं, मैं जान रहा था कि गुड्डे का और गुड़िया का हिलना जो है, अभी कुछ मामला होगा यहाँ पे, शॉर्ट डिवीजन क्या होता है मैं समझ रहा था, बट मैं थिएटर में बैठ के कई जगह सीन पे आंखों पे हाथ रखा, मैं नीचे देखता रहा, नहीं देख पाया और अल्टीमेटली थिएटर से उठ के बाहर आ गया, इतना इम्पैक्ट हुआ. इसलिए मुझसे अगर पूछेंगे तो जो आदमी लॉजिक और साइंस में विश्वास करता है उसके बावजूद इसमें अगर इफ्स एंड बट्स के साथ जाए तो भी मैं इसके इम्पैक्ट में विश्वास रखता हूँ. इम्पैक्ट ज़बरदस्त होता है. वो जो एक फिल्म आई थी जिसमें उस लड़की बच्ची की मुंडी घूम जाती थी पूरी 180 डिग्री, माँ से बात कर झगड़े कर, ओमन एग्जॉसिस्ट, वो फिल्म भी मैं वो सब सीन नहीं देख पाया. तो इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर होता है. बाकी इसके बारे में आँखों देखा हाल विस्तार पूर्वक हमारी ये बताएंगे. मैं फौजी किड हूँ, माय फादर वाज इन द आर्मी, तो हमें बहुत बहादुर बनने का दावा दिया जाता है, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो आई वाज नॉट रियली स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी स्केयर्ड ऑफ मेनी थिंग्स, लेकिन डरावनी फिल्में मैं बिल्कुल नहीं देख सकती आज तक. तो ज़बरदस्ती देखना पड़ता है. फ्रेंड्स बोलते हैं वी हैव गॉट टू सी दिस, वी हैव गॉट टू सी दैट. एक फिल्म है, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू हैव सीन इट, कैरी. सो उसमें एक शॉट है, वो आज तक, आई मस्ट हैव सीन इट व्हेन आई वाज यंग, आज तक वो एक लड़की हाथ बाहर रखती है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है, एंड ही कैचेज हर हैंड, समथिंग कैचेज हर हैंड. टिल टुडे आई कैन नॉट क्लोज द कबर्ड, आई कैन नॉट ओपन द विंडोज. तो असर पड़ता है, बिकॉज जैसे आप मिस्टर सिन्हा ने कहा कि वी ऑल नो अबाउट द मीडियम, वी नो हाउ द फिल्म इज मेड बिहाइंड द सीन्स, यू नो एग्जैक्टली वॉट इज गोइंग ऑन, बट द पावर ऑफ सिनेमा हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड. इट हिट्स यू somehow or the other, it hits you. And जो सबसे बहादुर इंसान है वो भी बार बार देखता जाता है डरावनी फिल्म ताकि वो उसे किसी चीज़ में कम डर लगे. बट एक पैशन होता है डरावनी, पता नहीं क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, बट आई लुक एट इट इन ऑ एंड इट्स समथिंग आई डोंट फॉरगेट. सो व्हाई ऑल्सो विच वॉज लाइक योर बेस्ट हॉरर मूवी, डू यू रिमेंबर? We remember the nail marks also. Okay. Yeah, you don't need to remind me of that. Well, but do you remember our favorite horror movie was Purana Mandir. Yes. And it released sometime. I'll just share a very small experience about Purana Mandir. It released in sometime in October, I think 31st October if I'm not wrong. And you know, there was we were not allowed to watch it because it was an adult movie, and we were all in the same building, and I was very excited. So उस समय एक जब video cassette भाड़े पे लेते थे तो 10 rupees देना पड़ता था. तो हम लोग सब pocket money या अभी इससे से we'll all chip in 2 rupees together and we'll get it. But पुराना मंदिर का हम लोगों को 40 rupees देना पड़ रहा था, because they said कि नहीं नहीं, this is a very in demand movie and you have to pay 40 rupees. So I put out all these people. I said, "Nahi, dekhna hai. Chalo, let's watch it together." But the problem was, our Prime Minister Indira Gandhi ji had passed away, and unka funeral chal raha tha. Ab sabke ghar mein parents sab baith ke funeral dekh rahe the, aur hum logo ko dekhna tha Purana Mandir. अब वी विजन कोई भी अलाउ नहीं कर रहा था कि नहीं नहीं, हम लोग को टीवी देखना है, हम लोग को तो ये देखना है, तुम लोग क्या बकवास मूवी देख रहे हो यहाँ पर बैठ के. तो वी एक्चुअली सॉ द फिल्म हाफ एन आवर इन ईच वंस हाउस बींग्स, डू यू रिमेंबर दैट? आधी आधी घंटा हम लोगों ने एक एक के घर पे जाके रिक्वेस्ट करके हमने फिल्म देखी, और शाम को जब हम लोग सब नीचे बिल्डिंग में मिले, सब लोगों को अकेले बाथरूम जाने में बहुत डर लग रहा था.
But we are all very, very proud of you. Thank you. Thank you. Love you guys. I'm really humbled to hear that Purana Mandir is your favorite film. Dhruv's daughters just told us that it's their favorite film. And I somehow really can't believe it. Happily, I can't believe it. But it's a very, very humbling moment. Do you know why that happens? Because every time they walk in the room, they're like, oh, Dad, not again. So I would be either watching Jani Dushman or watching Purana Mandir. अभी चूंकि मैंने कहा था कि इसको लिमिटेड रखें आज के फंक्शन तक, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की घड़ी है इस वक्त, मेरा पॉलिटिक्स के मामले में या पॉलिटिकल बात करने के मामले में सही रूप नहीं होगा, इसलिए अभी इसके मामले में या आर्ट एंड कल्चर के मामले में, सिनेमा के मामले में, फिल्मों के मामले में बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो बात तो हम करते ही रहते हैं और करेंगे, इसलिए अगर आप इसके मामले में कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, बोलिए। हो गया कौन सी बात पे डांट, कौन सी बात है जिस पर डांट नहीं पड़ती है, अभी भी पड़ी है। नहीं, आपको लगता है कि ये डांट सुनने वालों में से है? ये पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, घर की बात कर रही हूँ। वहाँ तो डांट नहीं सुनता हूँ, लेकिन यहाँ तो सुनता हूँ ना। समय की बहुत कमी है हमारा, आप जानते हैं, जहाँ से आया हूँ और अभी जहाँ हूँ वहाँ से फिर फिल्मों में ज़्यादा वक्त देने से पहले सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है कि मुझे वो टाइम फ्रेम देना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा खासा प्रोफेशनल रहा हूँ आज तक, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं जून में आपकी फिल्म शुरू करके अगले साल अप्रैल में ख़त्म कर दूँगा। तो अभी जो पोजीशन चल रही है, क्या हम उस पोजीशन में हैं कि उतना समय उनको टाइम फ्रेम दे सकूँ? अगर नहीं दे सकता हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कोई काम करूँ एक अच्छा प्रोफेशनल होने के नाते जिसमें नाम में कुछ दाग लगे, बट्टा लगे। बहरहाल आप जैसे या बहुत सारे लोगों की ये चाहत है, वो चाहते हैं कि और फिल्में करूं। बहुत सारे लोग मुझे ऑफ़र भी दे रहे हैं, स्क्रिप्ट भी रख कर गए हैं, तो मौका मिला तो शायद इस इलेक्शन के बाद एक दो फिल्में करूँ। मैंने कहा नहीं, इन्हीं बातों को सोच कर, इन बातों का कंसंट्रेशन के बाद मैं इस इलेक्शन के बाद, मुझे लगता है अप्रैल मई तक इलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद जो है शुरू में थोड़ा समय निकलेगा ऐसी उम्मीद है, तो मैं शायद एक दो फिल्में अपने फैंस की वजह से, आप लोगों की वजह से, दोस्तों की वजह से करूँ, मगर एक दो ही। Thank you very much, nice of you, thank you. Yes, you know.